कर परत बाहर निकल रही। इसके पहले तो रिपोर्ट होता ही नहीं था। हम लोगों ने देखा है 2018 में जब राफेल पे कुछ बात आई थी तो बंद लिफाफे में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कैग रिपोर्ट कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। झूठ और फरेब अब इनका हथियार बन चुका है और मजेदार तथ्य यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा में देश का जो जन सूचना माध्यम है वो भी लगा हुआ है। बाबूलाल जी आजकल घूम रहे हैं, पहले तो फंस गए थे नकल वाला मामला में। अब बाबूलाल जी आपको बताना पड़ेगा ना कैग के रिपोर्ट पर क्योंकि अब तक आप भी डबल इंजन का एक तो सस्पेंशन है, आपका क्या प्रतिक्रिया? आज सुने वो डुमरी भी घूम रहे हैं, क्या बोलेंगे वहां जाकर कि हमने 2001 में ओबीसी आरक्षण को कम कर दिया था, जहां आसू का समर्थन हमको मिला था। मेरे जो प्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रहे बाबूलाल जी के, उन्होंने जब 85 का स्थानीयता घोषित किया तो चंद्रप्रकाश जी वहां थे। ये सब बातें भी तो अब बताना पड़ेगा ना, आप ये सब बात क्यों नहीं बताते? कौन रोकता है आपको? आपको तो बताना पड़ेगा 2016 में जब CNT-SPT एक्ट की बात आई थी तब आपने रघुवर सरकार का विरोध क्यों किया था? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।